अमेज़न प्राइम और नेटफ्लिक्स दोनों ही बेहतरीन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां हर बार दर्शकों को कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है और ये दोनों प्लेटफॉर्म्स तैयार हैं आपको फिर से एंटरटेन करने की। सबसे पहले बात करते हैं अमेज़न प्राइम की, तो अमेज़न प्राइम पे 29 अक्टूबर को एक हॉरर मूवी रिलीज होने वाली है जिस फिल्म का नाम है डिबुक। इस फिल्म में है इमरान हाशमी, निकिता दत्त और मानव कौल। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग है और इस हॉरर मूवी की जो एक सेट पैटर्न है उससे बहुत अलग है। दूसरी बात, इमरान हाशमी हॉरर मूवीज के लिए बहुत करेक्ट है, उन्होंने राज और मर्डर जैसी फिल्में की हैं, तो इमरान हाशमी हमेशा से फर्स्ट चॉइस होते हैं हॉरर फिल्म के लिए जिसमें वो सच में बेहतरीन लगते भी हैं, तो इमरान हाशमी की वजह से भी इस फिल्म को मिस करना सही नहीं होगा। और इस फिल्म में एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई चीज को बताया गया है जो एक ज्विश रिचुअल है जिसमें अनसेटिस्फाइड सोल्स को बॉक्स में कैप्चर करते हैं, तो ये फिल्म इसी कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमेगी। ट्रेलर बहुत हॉरर वाला है, बहुत ही डरावना ट्रेलर है, उम्मीद है फिल्म भी उतनी डरावनी होगी ताकि दर्शकों को काफी एंटरटेनमेंट हो। वहीं दूसरी फिल्म की बात करें धमाका, जो नेटफ्लिक्स पे आएगी, नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम करेगी 19 नवंबर से। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन है जो नेवर सीन बिफोर कैरेक्टर में दिखेंगे, यानी कि वो ऐसे कैरेक्टर में आज से पहले कभी नहीं दिखे हैं, ना ही उन्होंने ऐसा कभी एक्ट किया जैसा ट्रेलर में देख के लग रहा है कि कार्तिक आर्यन ने इस बार एक्टिंग पर बहुत काम किया है और इस फिल्म में वो एक न्यूज एंकर के किरदार में दिख रहे हैं। मृणाल ठाकुर भी है इस फिल्म में। फिल्म को राम माधवानी डायरेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने किया है इस फिल्म को डायरेक्ट, और इसमें कार्तिक आर्यन एक अलग ही रूप में दिख रहे हैं, मतलब आपको कुछ लगेगा ही नहीं कि ये कार्तिक आर्यन है। फिल्म की स्टोरी ट्रेलर से पता नहीं चल रही है, बहुत ही मिस्ट्री वाली स्टोरी है, ये आपको फिल्म देख के ही आप फिल्म के बारे में कुछ भी बता पाए। तो इन दोनों ही फिल्मों को मिस करना ऑडियंस के लिए सच में बहुत लॉस होगा। दोनों ही फिल्म जरूर देखें, नेटफ्लिक्स और अमेज़न। बॉलीवुड और बिग बॉस की अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।